पंचायतों के खातों में लगा होल्ड, कैसे हो जनता की सेवा। जी हां, जहां एक ओर सरकार बड़ी बड़ी योजनाएं बनाकर इस संकट की घड़ी में जरूरतमंद नागरिकों के साथ खड़े होने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर तस्वीर इसके विपरीत ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को आवश्यक सामग्री के नाम पर सरकार ने प्रत्येक पंचायत में 30,000 रुपये डाले हैं, जिससे आवश्यक सामग्री की पूर्ति हो सके। लेकिन कुछ दिन पूर्व ही पंचायतों के कार्यकाल समाप्त होने से खातों को होल्ड कर दिया है, जिसके कारण खातों में से राशि नहीं निकाल पा रहे हैं। ग्राम पंचायत स्वरूप नगर के सरपंच रामू कुशवाहा ने आरोप लगाया है कि खातों पर होल्ड लगा है, कैसे करें जनता की सेवा। प्रशासन जल्दी से जल्दी खातों से होल्ड हटाए तो जनता की सेवा शुरू हो। वहीं इस मौके पर जनपद पंचायत के सीईओ राम नारायण गुप्ता का कहना है कि पंचायतों से होल्ड पंचायत स्तर पर ही हटाया जा सकता है, लेकिन अभी लॉकडाउन है और सभी एमपी ऑनलाइन की दुकानें बंद हैं। जब तक वो दुकान नहीं खुलती हैं, तब तक होल्ड नहीं हटेगा। इंडिया खबर लाइव के लिए विदिशा से एलन चौबे की एक रिपोर्ट। हमारी ग्राम पंचायतों पर खातों पर जो होल्ड लगा दिया गया है, उस होल्ड को शीघ्र से किसी भी प्रक्रिया द्वारा उसको हटा दिया जाए और उससे जो आपने राशि डाली है, उस राशि का हम जनहित में के लिए उपयोग कर सकें, ताकि जो ग्रामवासियों की समस्या भुखमरी जो फैल रही है, उससे उनका संकट दूर हो। देखिए, हमारे पास आदेश आ चुका है, पैसे विभिन्न पंचायत के खाते में आते हैं जो पंचायत स्तर से देखी जाती है। लेकिन हमने सभी पंचायत सचिवों को, सरपंच साहब को इसमें निर्देशित कर दिया है कि आप अपनी अपनी ग्राम पंचायत में इन लोगों का ध्यान रखें जो पैसा इस हेतु आया है। ये पैसा किस कार्य के लिए? इन्हीं लोगों के लिए है, मतलब अपने कोरोना महामारी से निपटने के लिए, कि उसके लिए जो आवश्यक व्यवस्थाएँ हैं उन व्यवस्थाओं को तत्काल तुरंत गति से किया जाए, जिससे कि कहीं कोई दिक्कत ना हो। अभी नहीं है, अब पंचायत खातों में आता है तो पंचायत खातों से देखना पड़ता है। खाद्यान्न तो आ गया है, जनपद में नहीं आता है, खाद्य आ गया है, लेकिन कई पंचायतों को खाद्यान्न अभी मिल नहीं पाया, कई को मिल रहा है, क्योंकि जो जैसे ही वहाँ से कोई भूखे न रहे, इसके लिए हम व्यवस्था सब देखते हैं।